बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। दोस्तों, मुल्तान मंडी बरोज़ इतवार की वीडियो आप देख रहे हैं। मंडी की सूरत हाल ये है कि बारिश, तूफ़ानी बारिश। आगे चलकर आपको मंडी के व्यू नज़र आ जाएंगे कि हम किस तरीके से वीडियो बनाते रहे। बहरहाल, ख़रीदारी हुई आज भी दोस्तों के लिए, कांटे पर तोल कर माल ख़रीदा गया। इसके अलावा जो मंडी में दूसरे जानवर थे उनके रेट्स का भी आइडिया दूंगा। आलमोस्ट 60 के करीब, बल्कि 70 के करीब जानवर हमने कांटे पर तोल कर ख़रीदे। बाकी जो मंडी में जानवर मौजूद थे उनके रेट्स का आइडिया दूंगा। इतनी बारिश में वीडियो बनाते हैं आपके लिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल तो ज़्यादा होगी। चलिए आपको ग़ुलाम दस्तगीर साहब का ज़रा इंटरव्यू सुनवा देते हैं। तरफों आए सी मुल्तान मंडी असा तकरीबन कल एक गड्डी बरोज़ हफ्ता असा माल पाया वे इक्की जानवर एक गड्डी असा अज बरोज इतवार अज पाई है। गड्डिया का किराया जोड़ा वो तकरीबन साढ़ा 45-45 हज़ार है। असी नीए आर एफ कैटल फार्म तो असा यह माल खरीदिया सारा कंडे तो इन शाला सानू इन्ना को मज़ा आया। चार जानवर असा वो पाए ने जोड़े रातू ने कुरबानी, बाकी जानवर असा काटू माल पाया लेकिन सानू बहुत ही अच्छा और बहुत ही चंगा माल मिले। बाकी जिस किसी भाई लैना हो भाई आरफ नाल उन्हां दा नंबर स्क्रीन पर आ चुका, उन्हां नाल राबता कर सकते हैं। असी जनाब सियालकोट तो, मेरा नाम मियां गुलाम दस्तगीर है, तो सियालकोट तो असी सियालकोट के नाल अड्डा मोटरा, मोटरे के नाल साडा पिंड उगोवा, उस जगह तो असी माल लैन वास्ते मुल्तान मंडी आए। जी दोस्तों, हम लुकमान साहब के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, ना सिर्फ ख़ुद ख़रीदारी करते हैं बल्कि इसके अलावा दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ग़ुलाम दस्तगीर साहब का भी बेहद शुक्रिया। चलिए जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको चोलस्तानी खूबसूरत जानवर, दोस्तों ये वो जानवर है जो पिछले साल कुर्बानी पर सेल नहीं हुआ। दो दांत का जानवर है, 5 मन गोश्त है, 1,60,000 डिमांड कर रहे हैं। ये वीडियो में शामिल करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि जो जानवर कुर्बानी पर सेल नहीं होते, कुर्बानी के बाद किस रेट पर सेल होते हैं। कुर्बानी पर इसकी डिमांड यकीनन 2 लाख से कम नहीं होगी, लेकिन अब ये जानवर 1,60 डिमांड पर है और ये जानवर तकरीबन 1,45 की रेंज पर जाकर या 1,40 की रेंज पर जाकर सेल होगा, क्योंकि दांत इसके आगे बढ़ जाने हैं। और ये एक और जानवर, माशाल्लाह जानवर ये भी खूबसूरत है और अच्छी हाइट में, अच्छी लंबाई में, 1,55,000 पे इसकी डिमांड है। जानवर का वेट तकरीबन 5 मन के करीब है। आगे चलते हैं जनाब, आपको मज़ीद खूबसूरत जानवरों के रेट्स का आइडिया देता हूँ। जी दोस्तों, ये 3.5 मन मीट वेट के अंदर चोलस्तानी चीना प्रिंट और चीज़ ठीक है माशाल्लाह, 3.5 मन मीट वेट में है। डिमांड ये भाई साहब कर रहे हैं इसकी 1,25,000 रुपये और फाइनल ये देना चाहते हैं इसको 1,10,000 रुपये में, जबकि मेरे ख़्याल से ये जानवर बनता है तकरीबन 1,00,000 रुपये का, जो आजकल का हालात चल रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं नीचे पानी है, कीचड़ है, वीडियो बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और ये इसके साथ जनाब एक और 3.5 मन मीट वेट में बछड़ा, 86,000 रुपये जनाब इसकी डिमांड थी, 3.5 मन मीट वेट में है और इसको कस्टमर लग रहे हैं। और ये बछड़ा जनाब अभी अभी यहीं मौके पर सेल भी हो गया। ये जनाब भाई कलर उठा के ला रहे हैं और अब इसके ऊपर रंग लगा दिया जाएगा। ये जनाब आप देख रहे हैं, इसके ऊपर रंग लगाने का मकसद यही होता है कि ये बछड़ा अब सेल हो गया है और अब ये बछड़ा उनका है जिन्होंने। और ये कितने में बिका है जनाब? ये 70,000 रुपये में, 86,000 डिमांड थी, 70,000 रुपये में 3.5 मन मीट वेट में ये चोलस्तानी ब्रीड का बछड़ा। दोस्तों, मंडी में माल उस तरह नहीं है जिस तरीके से इंतहाई खूबसूरत जानवर आप यूँ समझ सकते हैं कि इस इलाके में एक सैलाब की सी कैफियत है। अगरचे काटू माल हमने पूरा किया दोस्तों के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये जनाब एक और चोलस्तानी अच्छी हाइट में बछड़ा है, माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है।
ये चेक करें, दूसरे एंगल से भी देखें आप जहाँ से जगह मिलती है। 1,45,000 पे जनाब इसकी डिमांड है। बछड़े का वज़न अच्छा है, 4.5 से ज़्यादा है, 4.5 मन से। और फाइनल मेरे ख्याल में ये भाई 1,30 तक निकाल देंगे। ये चेक करें जनाब ब्यूटी, माशाल्लाह, जिसे कहते हैं हाइट लेंथ, जनाब कमाल की चीज़ है, कमाल की ये ब्रीड है। जो लोग इसको संभाल सकते हैं वो कमाल करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जनाब। और ये भाई साहब लेकर खड़े हैं, भाई साहब के कद से भी ऊपर इसका कद जा रहा है, ये आप मुलाहजा करें। तकरीबन 6 फीट हाइट आप इसको कह सकते हैं, और 6.5 मन प्लस वज़न में है। 1,80,000 पे इसकी डिमांड कर रहे हैं। और कमाल की बात है, ये अभी खीरा है, आप अंदाज़ा लगाएं जब ये मज़ीद वेट गेन करेगा और मज़ीद हाइट गेन करेगा तो ये क्या चीज़ बनेगी। और ये भाई साहब ने बहुत कमाल किया है जनाब, ये बैठ के हैं चेयर पर। ज़हरी बात है जी, मंडी में आज घूमने फिरने वाली बात नहीं थी। और 1,80 डिमांड है इस क्रास बछड़े की। क्रास बछड़ों के भी लोग काफ़ी शौकीन हैं आजकल क्रास बछड़े, क्योंकि ये हैवी वेट कर जाते हैं अच्छा खासा, तो इनकी मार्केट भी बन रही है। 1,80 डिमांड है, इसका वज़न तकरीबन 4.5 मन के करीब करीब है, जो मीट वेट है। जो मैं वज़न बताता होता हूँ ये मीट वेट ऑलवेज बताता होता हूँ, लाइव वेट नहीं। और 1,80 डिमांड है जनाब, तकरीबन ये बछड़ा जाकर फाइनल हो जाएगा 1,50-55 के करीब। और ये जनाब सेम उसी स्टाइल का अबलग स्टाइल में, ये भी क्रास बछड़ा है माशाल्लाह, चीज़ ये भी अच्छी बनेगी आगे जाकर फ्यूचर में। हाइट इसकी भी शानदार है, लंबाई बहुत अच्छी है। 1,70,000 पे जनाब इसकी डिमांड हो रही है। और ये बछड़ा भी तकरीबन 50-60 के दरमियान कहीं पर इसका सौदा बन सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, क्योंकि कस्टमर ना हो जब मंडी में तो फिर जो फार्मर हजरात हैं वो माल दे जाते हैं, व्यापारी हजरात कभी नुकसान करते हैं तो कभी नहीं करते। ये एक और चीज़ चेक कर लें माशाल्लाह, ये भी चोलस्तानी प्रिंट में है, चीज़ ये भी अच्छी है। और ये जनाब कांटे पर सेल होने के लिए आया था हमारे पास, 1,25 मांग रहे थे, हमने इसका जो फाइनल रेट लगाया था वो था 1,08,000 रुपये, और 1,000-1,500 रुपये मज़ीद बढ़ाकर या 1,000 रुपये तक मज़ीद बढ़ाकर 1,09,000 रुपये में ये ख़रीदा जा सकता है। बहरहाल अभी हमने भी कोई जल्दी नहीं की, देखते हैं आगे चलकर कि इसका क्या रेट बनता है। और ये जनाब एक और चीज़ चेक करें दोस्तों, ये एक और क्रास बछड़ा है, 2.75 मन तक मीट वेट है इसका, और डिमांड इसकी भाई साहब ने कर दी है 1,25, जबकि मेरे हिसाब से ये चीज़ बनती है 85,000-90,000 के दरमियान, क्योंकि 2.75 मन तक मीट वेट है। बहरहाल व्यापारी हज़ार डिमांड तो आपको पता है ज़्यादा ही करते हैं, और ख़रीदार जो हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ की खूबसूरती को देख कर उसका रेट लगाते हैं। और आजकल जो हालात हैं फिर उसमें जहरी बात है ख़रीदारों की ज़्यादा चल रही है, लेकिन मंडियों में जो खूबसूरत माल है उसका रेट फिर हाई ही है। और ये एक लाट आपको चेक करवा दो, बाकी माहौल आप देख रहे हैं इर्द गिर्द का, अब आप खुद सोच लें इस माहौल में एक जगह से दूसरी जगह जाना और वीडियो बनाना, ये मेरे ख्याल में आपको भी समझ आ रही होगी। इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट किया करें। आप लोग घर बैठते हैं और आपको सब रेट्स मिल जाते हैं, बाकी काटू माल के रेट्स भी बता देता हूँ। तो जनाब ये 4.25 मन मीट वेट की लाट है, और 4 मन के बछड़े भी हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर 4.25 मन आप कह लें साहिवाल है, साहिवाल चोलस्तानी क्रास हैं, चोलस्तानी प्योर हैं, अच्छे जानवर हैं, अच्छी नाफ झलर में और अच्छी हाइट में। डिमांड जनाब 1,35 है, और मेरे ख्याल के मुताबिक ये तकरीबन 1,15-1,20 के दरमियान, 1,15 तक कहीं ना कहीं फ़ाइनल हो जाएंगे। जानवर माशाल्लाह खूबसूरत हैं, आप चेक कर सकते हैं, लाटे भी थी मंडियों में। और जो दोस्तों काटू माल ख़रीदा गया आज 150-200 किलो, उसका रेट था 290, और जो 200-250 किलो था उसका रेट था 320, 250-300 किलो वाले जानवर का रेट था 325। ये सब खुश्क जानवर थे, मैं खुश्क जानवरों की बात कर रहा हूँ, पानी और चारे वाले जानवरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत चल रहा है मंडी के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कांटे वाले भी इन्वॉल्व हैं।
और ये गेम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसके ऊपर खैर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे ही दे चुका हूँ, मज़ीद किसी वीडियो में फिर दे दूँगा ताकि जो लोग नए हमारे चैनल पर आए हैं उनको भी बातें समझ आ जाएँ। और ये जनाब साहिवाल की लाट 1,10,000 रुपये डिमांड है, 3 मंथ से थोड़ा ऊपर ही मीट वेट है और तकरीबन 90 के आसपास जाकर कहीं पर ये लाट फाइनल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जनाब मुल्तान मंडी की आज की वीडियो। मैंने कोशिश की आपको रेट्स के बारे में जितना आइडिया दे सकता हूँ, ज़्यादा खूबसूरत जानवर कवर नहीं हो सके उसकी रीज़न थी, रीज़न आपके सामने है। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी मुल्तान मंडी की कल या परसों अपलोड करेंगे, उसमें कुछ खूबसूरत जानवर भी दिखाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।